नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। देखिए मुल्ला जी चले बाजार को, पहन बदन पर कच्छे, साथ में चली बेगम, पीछे 12 बच्चे। सैल्यूट मारकर इमरान बोला, एक तुम ही टोपी बाज सच्चे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जिस तहमंदबाज के जितने बच्चे हैं उसकी उतनी ही ज्यादा जय है। इमरान लोंडा काम करने निकला, वरना उसे भी आज कोई सैल्यूट मार रहा होता। मगर पाकिस्तान ने एशिया में बच्चा पैदा करने का जो रिकॉर्ड बनाया उसकी भिखारीगिरी से ज्यादा आज इसी की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान एशिया का ऐसा मुल्क बन गया है जहां बच्चे पैदा करने के हर रोज कीर्तिमान बन रहे हैं। पिछले साल इसी चैनल पर हमने खबर दिखाई थी जिसमें एक बेगम ने 7-6 बच्चों को जन्म दिया था। अभी 1 साल बाद उसने 3वां बच्चों को जन्म दिया है। 26 बच्चों के पिता अब्दुल सलाम को अपनी कुर्सी संकट में नजर आ रही है। यानी बच्चे पैदा करने की पाकिस्तान में जबरदस्त होड़ मची हुई है। वैसे जिस जनता का सुल्तान निकम्मा हो वह निठल्लों की बारात ही निकला करती है, और जब निठल्लों में पाकिस्तान के मुल्ला शामिल हो वहां दो ही काम होते हैं, या तो आबादी बढ़ेगी या फिर आतंकी बनेंगे। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि बच्चों की पैदाइश के पीछे इमरान और बाजवा का संयुक्त गणित सूत्र काम कर रहा है, जिसके पीछे कश्मीर बचाने और भिखारी की तादाद बढ़ाने की रणनीति है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा चीनी ऐप बीगो लाइव बैन करने के पीछे मकसद यही है कि जनता ज्यादा से ज्यादा वक्त परिवार के साथ गुजारे ताकि परिवार फूलता फलता रहे। हालांकि पाकिस्तान ने इसके पीछे अश्लीलता का रोना रोया है, पर चीन इस पर विशेष अध्ययन कर रहा है कि अश्लीलता ऐप में है या ये पाक के मुल्ला ही अश्लील है। पर अश्लीलता की इस बंदरबांट में केवल पाक के तहमंदबाज ही शामिल नहीं है। यूएस पॉपुलेशन रिफरेंस ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तान का प्रजनन दर 3.6, अफगानिस्तान का 4.5 और बांग्लादेश का 2.3 है। पाकिस्तान की 3.6 प्रजनन दर का मतलब है कि 19 साल 4 महीने में मदरसा मुल्क में दुगने टोपीबाज हो जाएंगे, जबकि भारत 5वें नंबर पर है। भारतीयों ने अपनी आबादी की रफ्तार कम की है। भारत में प्रजनन दर 2.2 है, यानी एक युगल के 2.25 से भी कम बच्चे हैं। मगर पाकिस्तान के अपने तीर और तरकस है। शायद यही वजह है कि यहाँ पीएम से लेकर पायलट और मुंशिप से मुनादी करने वाले सब जाली हैं। अगस्त 2018 से अगर तब्दीली के तबले किसी क्षेत्र में बजे हैं तो वे पाक का बच्चा उत्पादन केंद्र है। अगर इसे विकास दर से जोड़कर देख लिया जाए तो ये मदरसा मुल्क चीन को पटखनी देते हुए दक्षिण एशियाई देशों में दूर की कोड़ी है। इसे पकड़ पाना न चीन के वश में है और भारत तो बराबरी कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पीछे इमरान के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। वास्तविकता तो यही है कि इस लोंडे ने पाकिस्तानियों को सही राह पर डाल दिया है। 22% महंगाई, 8% बेरोजगारी दर और माइनस में जाती जीडीपी के बीच आबादी बढ़ाओ अभियान एक कारगर पहल है। वैसे भी जब देश के 95% लोग निठल्ले हो गए हो और बाकी दोहरी नागरिकता के चक्कर में उलझे हो, तब जनसंख्या की वृद्धि अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूती देती है, क्योंकि यह पाक के मुल्लाओं का खानदानी अधिकार है। इमरान द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही इस ताकत से विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि सुल्तान के कार्यकाल में जितने बच्चे पैदा होंगे वे घबराहट का शिकार हो सकते हैं। इसलिए सोमवार को मुल्क की 3 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने पिछवाड़े मिला लिए। इसमें नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PP और फजलुर रहमान की जमेतुल इस्लामी है। ये वही मौलाना है जिन्होंने पिछले साल नवंबर में पेशावर से इस्लामाबाद तक आजादी मार्च निकाला था। ये तीनों दल अब एक साथ आकर इमरान की बनी गाला भेजने का बिगुल बजाने जा रहे हैं। यूं भी इस मुल्क में काम धंधा कुछ बचा नहीं है। वक्त गुजारने के लिए यहाँ बहुत से ख्याल अच्छे हैं। दुनिया ने भिखारियों को भीख देना बंद कर दिया है। हालत यह है कि भिखारी हाय तोबा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तब्दीली का विस्तार पाकिस्तान के हर क्षेत्र में हो रहा है, फिर चाहे वह राजनीति हो, महंगाई, बेरोजगारी, GDP, भ्रष्टाचार या फिर बढ़ती जनसंख्या हो। मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब यकीनन आज पाकिस्तान में साकार हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।